news coming in from Maharashtra. Chief Minister Uddhav Thackeray has announced compulsory closure of all offices and shops in Mumbai, Pune and Pimpri Chinchwad. He says that people aren't yet staying at home. This is a cause of concern and therefore he has had to take this drastic measure of asking for an almost complete lockdown. Essential services, of course, will be running. Trains and buses is also what he says will run. However, all shops, all offices are going to remain closed. डर तो लगा था, जो सच्चाई है, क्योंकि वो टाइम ही वैसा चल रहा था कि जिस हिसाब से सारे लोग, दुनिया पूरी देख रही थी कि इतना तकलीफ है, लोग महामारी थी, इसलिए तो लॉकडाउन हुआ था कि लोग बाहर नहीं निकले. जिसको बचना है वो घर में रहे, बाहर नहीं निकले. तो परिवार ने भी मना किया कि आपको नहीं जाना है. तो मैंने कहा अगर सभी लोग घर पे बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा, किसी न किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा. तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ही मुझे जाने तो दो. जब मैं गई और जब गाड़ी में हमारे पेशेंट्स आके बैठने लगे, उनको देखा तो ऐसा लगा कि मतलब ये भी तो हमारे ही लोग हैं, हम कैसे काम नहीं करें इनके लिए, तो काम तो करना ही है. तो वो था कि नहीं काम करेंगे, मतलब कोई मना करे करे, परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, काम करेंगे. जी स्कूल बस चलाती थी और जब मैं बाजू से एम्बुलेंस पास होती थी तो एम्बुलेंस को हम पास देते ही थे. तो एम्बुलेंस तो ये तो सच्चाई है कि ये इमरजेंसी गाड़ी है. एम्बुलेंस चलाना मतलब बहुत इमरजेंसी है, इसलिए एम्बुलेंस निकाल रहे हैं, चाहे अंदर वाले को कुछ भी तकलीफ हुई हो. तो उस हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कब एम्बुलेंस चलाऊँ, कम से कम कभी तो चलाऊँगी, एक बारी चलाऊं, लेकिन चलाऊं, किसी को तो मैं सर्विस दूं. मतलब एक ऐसा मन में थी इच्छा कि एम्बुलेंस चलाऊं. और ऊपर वाले ने ऐसा खेल रचा कि अपने आप हम इस लाइन में आ गए. जी जब भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले यही हमारा एम होता है कि उसके अंदर से डर निकाले कि आपको कुछ नहीं हुआ है. बहुत ऐसे बोलते भी हैं, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा क्या, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी. तब उनको बोलते नहीं, कुछ सवाल ही नहीं, कैसे मरोगे आपको तो ठीक होना ही, और हो गए हो आप तो, बस थोड़ा बहुत है वो, आप आराम कीजिएगा, ठीक हो जाएंगे. अभी जैसे जब हमको कॉल आया कि हमको वृद्धाश्रम जाना है, 70, 75, 90 तक के लोग थे, तो उनको पॉजिटिव केस निकले हैं 12-13 लोग, उनको आपको ले जाना है. तो उनको जब लेने गए तो ऐसा था कि उनको तो बाकी लोगों को तो लोग बोलते भी है काई काळजी करो नको, आप कोई चिंता मत करिए, आमी आहे तिकड़े, हम है इधर. बट उनके लिए ऐसा था कि उनको तो कोई बोलने वाला भी नहीं था कि, क्योंकि वो खुद आश्रम में रह रहे हैं. हाँ, उधर नैनी हैं, उनके केयर टेकर हैं, उनके गार्ड्स हैं, काफ़ी लोग हैं. बट एक वो कोरोना का जो काल था, तो उस वक्त ऐसा होता है मेरे बच्चे मेरे पास हो, मेरा कोई तो हो, क्योंकि इस उम्र में सिर्फ बच्चे ही एक होते हैं जो माँ बाप का ख्याल रखते हैं. तो उनके साथ तो वो भी चीज़ें नहीं थी. तो ऐसा था कि उनको तो कोई बोलने वाला भी नहीं था कि आप जाइए, हम हैं इधर, आप ठीक हो आके आ जाइए. तो वो एक बहुत दर्द था
उस वक्त। तो जब उनको हम ले गए हॉस्पिटल, फिर ठीक होने के बाद हमें कॉल आया तो हमने उनको लाए भी, तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दिए। इतने जब वो कोरोना में ही हमको छू रहे थे और ब्लेसिंग दे रहे थे, तभी भी हमको वो डर नहीं लगा कि ये मुझे छू रहे हैं या मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, माथे पे हाथ लगा रहे, सब छू रहे हैं तो मुझे कोरोना हो जाएगा, ये डर नहीं था। उल्टा वो आशीर्वाद मेरे लिए वो एक स्वर्ग का माहौल था। वो ही लाया उसको, वो स्ट्रेचर में था। वो हाँ अंकल स्ट्रेचर में था, वो चलने का नहीं पाया था, अभी चलता है, देखो कितना अच्छा। बोलत मराठी अपन माझा बस मध्ये बसून आला होता हॉस्पिटल मधून, आप विसरले मेरे साथ बस में आए अच्छा आप भी हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल गए थे, कोरोना हो गया था आपको। नीलम सिंह, अच्छा नीलम सिंह। कोरोना अगर किसी को तकलीफ दे रहा है तो तकलीफ दे रहा है, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ तकलीफ देता है। अगर आपके अंदर बात बैठ गई कि आपको कोरोना हुआ है, तो अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं बचूंगा, तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि आपको कोरोना हुआ है और कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। मुझे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि नीलम आपको अंधेरी स्टेशन पुलिस स्टेशन जाना है और दो लोग वहाँ पे पॉजिटिव है, उनको आपको हॉस्पिटल पहुँचाना है, जे हॉस्पिटल। तो मैंने कहा ठीक है जाती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं जाऊँ, फिर ऐसा लगा ठीक है अभी काम कर रहे तो जाना ही है, भले पुलिस स्टेशन तो पुलिस स्टेशन। तो मैं गई वहाँ पर और मैंने पूछा वहाँ पर जाने के बाद कि सर यहाँ पर मुझे कॉल आया है कि दो जन पेशेंट हैं, पॉजिटिव पेशेंट है कोरोना, तो उनको ले जाना है। तो बोलते हाँ मैडम आप बैठिए, दो कैदी है उनको ले जाना है। कैदी ले जाना है? तो बोले हाँ अभी पॉजिटिव है तो ले जाना है। तो बोले अच्छा तो ठीक है। मैंने सर को फ़ोन किया बीएमसी में कि मुझे कैदी को भी ले जाना है ना सर, तो बोलते हाँ ले जाना है। तो थोड़ा डर तो था कि कैदी को ले जाना है, लॉकडाउन का टाइम है, पूरा रोड सुनसान है, रात के 9 बज रहे हैं, तो थोड़ा था कि मेरी गाड़ी अकेली रोड पे चलेगी और मुझे जे हॉस्पिटल तक लेके जाना है। तो मैंने उधर कहा कि सर कैसे मैं ले जाऊँ अकेले, तो बोले कि कोई बात नहीं मतलब पहले तो ऐसा लगा कि मैं कैसे ले जाऊँ, फिर ऐसा लगा नहीं अभी हम एम्बुलेंस चला रहे हैं, ठीक है वो कैदी हैं वो उनकी अपनी मानसिकता, बट इंसानियत एक मानवता के नाते तो मुझे उनको सर्विस देनी है और उन्हें ठीक करना ही है चाहे जैसे भी। तो पहले मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम पहले हॉस्पिटल पहुँचाएँ, उनको भी ठीक करना है। तो फिर ठीक है, पुलिस वाले जो थे 6 हमारे साथ, उनकी 3 गाड़ी थी, तो 2 पुलिस मेरे साथ पीपी किट पहन के अंदर बैठे थे और 3 गाड़ियाँ आगे पीछे मेरी चल रही थी रात के वक्त। तो वो भी कभी भूल नहीं पाएंगे जी। एक्चुअली जो पहला पेशेंट मेरे पास था एक काम शुरू करने के टाइम, एक बच्चा था कुछ 12-13 साल का, तो एकदम डरा हुआ सहमा हुआ क्योंकि वो वक्त ही वैसा था अप्रैल मई वाला। तो वो बच्चे को जब लिए गाड़ी तो बच्चे ने बताया कि मेरी मम्मी को भी हुआ, मेरे बड़े भाई को भी हुआ है। तो बोले बाबू आप डरो मत, आप ठीक हो जाओगे, आपकी मम्मी और आपके भैया भी ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। तो एक दिल में उस वक्त एक ममता जागी, जैसे वो माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, तो वो हम लोगों को एक जैसे एक माँ को देखते हैं उस नज़र से मतलब मुझे निहार रहे थे। तो उनसे भी बोला रहे बच्चों कुछ नहीं है, आप लोग ठीक हो जाएंगे, मैं आप लोगों को घर वापस आपके आश्रम छोड़ दूँगी।
जी, तो उनके साथ तो एक अलग रिश्ता बन गया है, जो रिश्ता हमेशा कायम रखेंगे, मैं हमेशा उनसे मिलूंगी। तो उस वक्त कैसा था कि अगर यंग है तो वो तो खुद बैठ जाते थे आपको, लेकिन थोड़े उम्र वाले हैं जो चल नहीं पाते थे या चढ़ने उतरने में उनको तकलीफ होती थी, तो हमें उनको सहारा देना पड़ता था, चाहे हमने मास्क पहना हो चाहे हमने पीपी किट पहना हो, तो भी हमें उनको सहारा देना पड़ता था। तो उनका हाथ पकड़ के या अपने शोल्डर का सपोर्ट दे के या व्हील चेयर से जैसे भी हो उनको गाड़ी तक बिठाना। कभी कभी तो हमको, कितने लोग ऐसे थे बूढ़े होते तो ज़्यादा पैर ऊपर नीचे नहीं चलते, तो उनका पैर भी पकड़ करके उनको गाड़ी तक अंदर बिठाना, फिर अंदर भी जाते थे हम लोग कि ठीक है, उनके जो स्टिक वगैरह लेके उनको बिठाना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल आ गए तो उनको हॉस्पिटल तक अंदर एडमिशन करा के फिर निकलना। तो बहुत हम पेशेंट्स के क्लोज होते थे और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उनका परिवार आ ही नहीं सकता था, तो हमें ही ये सब करना था। तो कितना भी अगर हमने सेफ्टी यूज़ की है तो भी कोरोना तो होना तय था और वो हो गया। जब कोरोना हुआ मुझे भी तो शायद मेरे लंग्स में गया होगा, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मतलब 3 दिन तो लगभग बेहोशी की हालत थी, क्योंकि वो दवाइयाँ भी ऐसी ले रही थी मैं, वो दवाइयाँ शायद आपको सुला के रख रही थी या पता नहीं क्या, और खाना नहीं खाया जाता था, तो थोड़ा ऐसा लगा कि मे बी मैं मर जाऊँ। वो भी दौर गुजरा, घर वाले भी सोचे कि शायद ये नहीं बचेगी, तो क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा था, मेरे पति को कम था, मेरी मम्मी को भी कम था, लेकिन मुझे था। डर तो लगा कि इतनी बड़ी महामारी है, इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, डर लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डर गई तो मेरे पति को कौन देखेगा और मेरी माँ को कौन देखेगा। तो वो डर पे कंट्रोल तो करना था, और ऐसे स्माइल फेस, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, अंदर घबराहट है, वो दौर भी गुजर गया। वो जब गुजर गया तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा, मेरे बच्चों ने भी वहाँ से फ़ोन किए, बस अब नहीं जाना है। तो मैंने कहा अभी तो कोरोना हो गया है, अब तो इससे हम निकल चुके हैं, अब तो सवाल ही नहीं उठता है घर में रुकने का। अब तो वो ज़्यादा एक जोश आ गया था कि नहीं, अब ये काम करना ही है, अब अपने लिए नहीं, अब उनके लिए करना है। मुझे तो बहुत गर्व है, मैं मरते दम तक गाड़ी चलाती रहूँगी, आखिरी सांस तक।